Hey everyone and welcome back to my another travel vlog, but this time I'm not going to solo. वैसे तो मैं maximum solo travel करती हूँ, but अभी मैं किसके साथ जा रही हूँ वो मैं आगे बताती हूँ. पहले packing तो कर लूँ. चलो अब बता ही देती हूँ. सो अभी मैं निकल रही हूँ शिमला के लिए, एंड अभी मेरे साथ एक और फ्रेंड मुझे ज्वाइन करने वाली है जो मुझे सोलो ट्रैवल में ही मिली थी, एंड हम फ्रेंड बन गए थे. सो अभी इस बार हम साथ में ट्रैवल करने वाले हैं. सो ये है जूही, एंड अभी हम जा रहे हैं शिमला. उसके आगे हमारा कौन सा स्टॉप होने वाला है वो आपको नेक्स्ट वीडियो में पता चलेगा, एंड वीडियो के एंड में. सो अभी वेलकम टू हिमाचल प्रदेश. सो अभी हम जो ट्रैवल कर रहे हैं, हम ट्रैवल कर रहे हैं HRTC की बस से. चंडीगढ़ 43 से मैंने बस ली थी जिसका किराया था 250 पर पर्सन, एंड अभी हम शिमला पहुंच जाएंगे अराउंड 6 PM या 7 PM. हमने बस ली थी 43 बस स्टैंड से 2 बजे. एक्चुअली ये जो ट्रैक है साथ में, ये कालकर टू शिमला ट्रेन का ट्रैक है, एंड ये बहुत ज़्यादा एडवेंचरस एंड बहुत ब्यूटीफुल व्यूज से दिखाई देता है. मेरे को इस ट्रेन में ट्रैवल करना है, बट अभी पता नहीं कब करूँगी. अभी हम 2 बजे के चले थे चंडीगढ़ से, एंड अभी टाइम 4:30 हो गए. पता नहीं कौन सी स्पीड से चले हुए हैं ये लोग. तो अभी ऐसे करके मुझे लग रहा है शिमला हम 8-9 बजे पहुँच जाएंगे रात के, क्योंकि आज का स्टे हम शिमला में करेंगे. स्लो चल रही है, एंड बीच में यहाँ पे हो गया ट्रैफिक जैम, पता नहीं आगे क्या हो गया है. तो इस चक्कर में हम थोड़ा सा और लेट हो जाएंगे शिमला पहुँचने में. अगर हमने थोड़ा सा पहले बस ली होती तो हम जल्दी पहुँच जाते, पर जूही जी टाइम पे नहीं आए थे तो उस चक्कर में हमारी बसें छूट गई थी. अभी देखते हैं हम कब पहुँचते हैं. एंड वन मोर थिंग, अभी आजकल मौसम इतना ख़राब सा है, एंड हिमाचल में इतनी बारिशें हो रही हैं, हिमाचल के सभी जगह. सो यहाँ पे आप देख सकते हो एक साइड से रोड बंद किया हुआ है क्योंकि ऊपर से ये पत्थर गिर रहे हैं, एंड कब कैसे कहाँ गिर जाए कोई पता नहीं है. सो बी सेफ जब भी आप ट्रैवल करोगे यहाँ पे. ये मैडम साथ लेके जाओ, ठीक है आपका देख लेते हैं. कितने पैसे लगेंगे मैडम? मैं 200 रुपये लूँगा. और यहाँ नहीं अच्छा लगा तो आप उसको हाँ छोड़ देंगे. ऐसा मेरा काम ऐसा नहीं है, मैं कोई ऐसा नहीं हूँ. तो आप मिले हैं स्टूडेंट लोग, आप आ जाओ. अच्छा कितने का पड़ेगा यार? लड़कियाँ हैं तो ना, इन्होंने सुबह सांगला जाना है. हाँ मैडम वही बोरे 1500 माली से ही बात करो. मैं तो देखो हमारे ब्रदर है ना बड़े, यही डील करते हैं. एक ही रूम बचा है व्यू वाला. सिटी में लोगे तो आपके माल रोड के निर्माण में 2500-3000 तक व्यू वाला, मतलब कि हमारा होम स्टे टाइप है. और वहाँ से बस स्टैंड भी नज़दीक है. बाकी उसके बाद आपने जैसा देखना होगा ऐसा नहीं है, व्यूज तो एक हॉस्टल टाइप है, उसमें बेडिंग सिस्टम है. वेलकम टू शिमला. अभी हम पहुंच गए हैं शिमला, एंड टाइम हो रहा है 7:30. अभी हमें क्या था कि हमने एक ऑनलाइन बुकिंग करवा के भी रखी थी, एंड हमें एक भैया मिल गए तो उन्होंने ऑफलाइन बुकिंग भी, तो वहाँ पे हमें एक और होटल मिल गया. इस होटल का नाम है वैसे तो यमुना द ट्री व्यू ऐसा कुछ है, तो वो मैं आपको आगे बताती हूँ. इसके चार्जेस जो हमें पड़े हैं वो पड़े हैं 1500 एक दिन के. मतलब अभी तो हम कल शायद चेकआउट कर देंगे 12 बजे तक. मतलब रूम है ये पूरा, ये मैं आपको दिखाती हूँ सिंगल रूम. इस बार ये हॉस्टल ये डोम नहीं है. अभी बस हम जा रहे हैं रेडियो के मॉल रोड पे, देन देखते हैं उसके बाद कितने टाइम में वापस आते हैं. सो ये है रूम, एंड इसकी कॉस्ट हमें पड़ी है 1500. सो यहाँ पे है एलईडी, जो ये बार बार बोल रहे थे कि एलईडी मिलेगी, जो हमारे पास टाइम नहीं अभी देखने का. एंड ये रूम, एंड दिस साइड वॉशरूम. एक्चुअली आई थी मैं शिमला में सेकेंड टाइम आ रही हूँ. मैं फर्स्ट टाइम अपनी मम्मा के साथ आई थी, वो काफ़ी पहले आई थी. अभी मुझे कुछ ज़्यादा पता नहीं है यहाँ का, मतलब कहाँ क्या है. मैं बहुत पहले कुछ काम से आई थी. सो अभी भैया ने हमें यहाँ नीचे उतार दिया ओल्ड बस स्टैंड के साथ में. उन्होंने बताया यहाँ लिफ्ट है कहीं आगे, वहाँ से हम ऊपर मॉल रोड पे जा सकते हैं, बट वो लिफ्ट कहाँ है ये हमें नहीं पता, किसी से पूछ लेते हैं. ओ
ओके सो फाइनली ये लिफ्ट हमें यहाँ पे मिल गई, ये ओल्ड बस स्टैंड के साथ में ही है राइट साइड को। एंड यहाँ से अभी हम देखते हैं कैसे ऊपर पहुँच सकते हैं, क्योंकि पहले तो नहीं आई हूँ मैं इस साइड। लेकिन ये कुछ लिखा नहीं हुआ है, कुछ फाड़ भी है, अभी चेंज करते रहते होंगे मतलब अकॉर्डिंग टू मी। ये टिकट पे क्या है इसका कोई? हाँ टिकट लिखा हुआ है, देख लो टिकट की लाइन कुछ लिखा है। 20,000 ओके सर, थोड़ा सा चल के आगे आपको ये लिफ्ट मिलेगी। यहाँ पे आपको पहले टिकट लेना पड़ेगा 20 रुपीज़ पर पर्सन, उसके बाद आप इस लिफ्ट में ऊपर जा सकते हो। मुझे लगा था कि फ्री है, तो फ्री होनी चाहिए थी मतलब। अब बंदा कितना जाता होगा ना दिन में, मतलब कहाँ कहाँ से पैसे कमा रही है गवर्नमेंट। तो अभी हमने ले लिया टिकट एंड यहाँ से ये चेक भी करते हैं। सो मस्ट कि आप टिकट ले ही लो आते टाइम, मुझे नहीं पता बट अभी ये चेक कर रहे हैं केक की, ऐसे मत लग जाना लाइन में। बट ये लाइन बहुत लंबी है एंड बट यहाँ पे दो लिफ्ट है, पहले एक करनी पड़ती है उसके बाद उतर के दूसरी लिफ्ट में बैठो थोड़ा सा आगे चल के। एंड ये यहाँ पे इसका एग्जिट पॉइंट है। कौन आया था ऐसे पता नहीं, उसका एक बंदे पहुंच गए पता नहीं क्या क्या था। चलो अभी चलते हैं, इस साइड में पहले आई थी बट मैंने बस वो लिफ्ट में नहीं बैठी थी, अभी वो भी हो गया अभी इस बार। बट अभी ये जो शिमला की चढ़ाई है ये कुछ अलग ही है भाई, मतलब अलग ही टाइप की, सीधी ऊपर को है, यहाँ पे कुछ भी नहीं बट स्टिल पता नहीं लोग क्या देखने आते हैं और हम क्या देखने जा रहे हैं, देख के आ जाते हैं, मतलब ऐसा कुछ है नहीं वहाँ पे सच। ये ब्रिज कितने ऊपर है ना अभी जा रहे हैं, तो हमारा प्लान है मिला के दे दिया दान सही से यार। अभी कितने जो क्लास तो हो भी गया मेरे याद रहे मैं जहाँ रहूँ जहाँ मैं याद रहे। चलो ये फ्लैग तो सही है बट ये है शिमला एंड ये है रिज, बस खत्म। ओके अभी यार क्या क्या घूम रहे हैं, वीडियो है क्या? मुझे लगा फोटो है। अभी हम क्या घूम रहे हैं रिज पे, मतलब यार हम लोग रिज घूम रहे हैं यार, एक्चुअली वीकेंड एंड बहुत क्राउडेड है एरिया एंड अभी समझ नहीं आ रहा क्या करें, यहाँ पे घूम लिया ये है रिज। अरे बड़ा सा झंडा जो अभी ये नीचे इंडिया का फ्लैग कहाँ गया। ओके सो ये है मॉल रोड एंड यहाँ पे ये नाइट व्यू कुछ ऐसा दिखता है रात को, बाकी यहाँ पे कुछ खास नहीं है, बस यहाँ पे लाइटिंग सही लगती है। बाकी मैं कब से एटीएम ढूंढ रही थी, सो अभी मुझे ये मॉल रोड पे मिल गया एंड मैं एटीएम से कैश निकलवाना भूल गई थी। हिमाचल में गूगल पे बहुत कम चलेगा, सो यू मस्ट कि जब भी आप ट्रैवल करो तो आप अपने पास कुछ कैश रखो सो दैट आपको आगे प्रॉब्लम ना हो, क्योंकि वहाँ पर आपको QR स्कैन बहुत कम मिलेगा। जहाँ मैं आगे जा रही हूँ चलो अभी फिर से टिकट लेके हम जा रहे हैं वापस, बट इस बार हमारी टिकट किसने चेक नहीं की, बड़ा दुख हो रहा था ऐसे ही आ जाते। तो अभी हम जा रहे हैं होटल वापस एंड कल मॉर्निंग में हम निकलेंगे अपने आगे के ट्रैवल के लिए। एंड अभी मैं आपको थोड़ा सा बता दूँ, कल हमने निकलना है सांगला के लिए क्योंकि हम जा रहे हैं चितकुल, इंडिया का लास्ट विलेज है जो, सो वो आपको पता चलेगा नेक्स्ट ब्लॉग में। सो तब तक बाय बाय एंड थैंक फॉर वॉचिंग एंड स्टे ट्यून्ड।